बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु टुडे करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। टुडे की सीरीज मई माह के सबसे अहम और सिलेक्टेड 100 एमसीक्यू प्रश्नों की क्विक फास्ट रिवीजन सीरीज है। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु एवं बीपीएससी अन्य विभिन्न एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ। केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट प्रश्नों को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाने की कोशिश करें। जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, और जो रिविजन कर रहे हैं वो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करें और देखें कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो यहाँ से आंसर जाएगा ऑप्शन ए पेरियार को प्रथम स्थान दिया गया है। भारत का पहला REITS इन्वेस्ट्स इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो यहां से इसका राइट आंसर है NSE के द्वारा लॉन्च किया गया। ये ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया है ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने का कानून। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स का संचालन कहाँ किया जा रहा है? तो रैपिडेक्स का जो संचालन किया जा रहा है वो दिल्ली NCR में किया जा रहा है, यानी कि आंसर यहाँ से डी करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके प्रश्नों को आप लगाने की कोशिश एक बार जरूर कीजिएगा। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को यहां से 5वां स्थान मिला है, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर है, यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया वो दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया, यानी आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में किया गया, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया है? तो बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस मिशन जो आरंभ किया गया है वो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। ADR रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो ADR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे धनी मुख्यमंत्री है भारत के वो जगन मोहन रेड्डी हैं, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए गरुड़ एयरोस्पेस कंपनी है। विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG अनादोलु किसने लॉन्च किया है? तो TCG अनादोलु लॉन्च किया गया तुर्की के द्वारा, यानी आंसर यहां से तुर्किया हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 की जो विजेता है वो नंदिनी गुप्ता है, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? तो कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर जो वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, यानी कि यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न को साथ साथ में लगाते भी चलें, वीडियो को बीच में पॉज करके और देखें कि कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं, ताकि बेहतर तरीके से और तैयारी की जाए। तो भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अंबेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो डॉक्टर BR अंबेडकर की 125 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है तेलंगाना में, यानी आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो यहां से भारत का स्थान रहा था पदक तालिका में 7th, यानी कि 7वां, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा।
वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहां किया जाएगा? तो यह जो निर्माण किया जाएगा वो नेपाल में किया जाएगा, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लंजा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहां स्थापित करेंगे? तो यह इकाई जो स्थापित की जाएगी हरियाणा में की जाएगी, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। प्रश्न को साथ साथ में लगाते भी चलें। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो दानकर्ता की सूची में भारत का फोर्थ स्थान है, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा वन लॉन्च किया गया? टाइफा वन जो हाल ही में लॉन्च किया गया है वो केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। मेलकम अधिस एशिया पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? तो मेलकम अधिस एशिया पुरस्कार 2023 उत्साह पटनायक को प्रदान किया जाएगा, आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। साथ साथ में ऑप्शन को भी लगाते चलें, चीजों को ध्यान से समझते चलें। बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो बायोपिक 800 जो खिलाड़ी के जीवन की आत्मकथा है वो मुथैया मुरलीधरन की है, यानी आंसर ए करेक्ट जाएगा। यहां से चर्चा में रहा उत्तरमेरु शिलालेख कहां स्थित है? तो उत्तरमेरु जो शिलालेख है वो तमिलनाडु में स्थित है, आंसर यहां से करेक्ट जाएगा ए। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है जिन्हें इस में नामित किया गया है? तो क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली जो महिलाएं वो हरमनप्रीत कौर हैं, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो भारत की जो महर्षि पहल है इसका संबंध बाजरे की फसल से, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम हेतु बेहद इंपॉर्टेंट, इसलिए सभी प्रश्नों को आप लगाएं बीच बीच में वीडियो को पॉज करके और तथ्यों को ध्यान से समझते चलें। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई 2023 की, तो इसमें सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बना है, आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। हिनली एंड पार्टनर्स की विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है न्यूयॉर्क को, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। प्रतिष्ठित संत कवा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह संतो कवा जो मानवतावादी पुरस्कार है प्रदान किया गया है सोनम बांगचुंग को, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो यह जो सम्मेलन हुआ है प्रथम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है आशा भोसले को, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। हुरुन के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अपना पहला विदेशी कार्यालय कहां स्थापित करेगा? तो AIIB के द्वारा अपना पहला विदेशी कार्यालय स्थापित किया जाएगा अबू धाबी में, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो असाधारण साहस हेतु इन्हें वीरता पुरस्कार दिया गया है,
दीपिका मिश्रा को, आंसर यहाँ से बी करेक्ट जाएगा। मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सर्वाधिक श्रम दिवस सृजित करने वाला देश जो है राजस्थान है, आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यहां से भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 38वां प्राप्त हुआ है, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेलिस 2 को, लुमेलाइट 4 उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा सिंगापुर, ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला राज्य कौन बना है प्रथम? तो यह लक्ष्य रखने वाला जो राज्य बना है प्रथम उत्तर प्रदेश, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहां स्थापित करेगा? तो IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा तंजानिया में, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से रीड करें और ऑप्शन को भी ध्यान से लगाएं ताकि देखें कि कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं, ताकि आगे प्लानिंग की जाए। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा सूडान में फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी अभियान चलाया गया था, यानी आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन कहां लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला हैवी लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया उड़ीसा में, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। चीज़ों को तथ्यों को ध्यान से समझते चलें और साथ साथ आंसर भी लगाने की आप कोशिश करें कि देखें कि कितने सही कितने गलत हैं। सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 22 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक खर्च वाला देश जो है सैन्य के रूप में अमेरिका बना है, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। विश्व में पहली बार क्रिप्टो विनिमयन के लिए मीका कानून का निर्माण किसने किया है? तो विश्व में पहली बार क्रिप्टो विनिमयन के लिए मीका कानून लाने का निर्माण किया है EU के द्वारा, यानी आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। तारिक फतेह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो तारिक फतेह जो थे एक पत्रकार थे, यानी कि इनका संबंध पत्रकारिता से है, आंसर डी करेक्ट जाएगा। PM मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो कहां प्रारंभ की है? तो PM मोदी के द्वारा जो पहली भारत की वाटर मेट्रो आरंभ की गई है वो कोची में आरंभ की गई, यानी आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी UAV कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? तो जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है वो आंसर यहां से जाएगा ऑप्शन सी। द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 131वां हुआ, यानी आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यहां पर दिया गया उपरोक्त सभी को, तीनों को ही दिया गया, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहां खोजा गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल खोजा गया है मेक्सिको में, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दक्षिण कोरिया के साथ किए गए हस्ताक्षर, यानी आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। 64 वर्ष बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमेन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो इन्हें मिला है दलाई लामा को यह पुरस्कार, आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो भारत सरकार के द्वारा
नवरत्न का जो दर्जा प्रदान किया गया है वो रेल विकास निगम लिमिटेड को, यानी ऑप्शन यहां से बी करेक्ट जाएगा। पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहां किया है? तो पीएम मोदी के द्वारा भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है केरल में, यानी आंसर यहां से केरल करेक्ट जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के शारजहा क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया है? तो यह आंसर जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात के स्टेडियम को। केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में कितनी प्रतिशत ब्याज दर तय की गई है? तो यहां से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 7.5% ब्याज तय की गई है। निम्नलिखित में से किस राज्य को प्राचीन वस्त्र कला माता नी पचेड़ी को जीआई टैग मिला है? तो माता नी पचेड़ी कला जो है गुजरात की है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से, गुजरात। 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो पुरस्कार दिया गया है वो ऑप्शन ए, गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में घोषित नया वन्य जीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो राजस्थान में तीनों को ही वन्य जीव संरक्षण घोषित किया गया है। आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो यहां से आंसर जाएगा माउंट अन्नपूर्णा पर हाल ही में चढ़ाई अर्जुन वाजपेयी के द्वारा की गई है। LIC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो LIC के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया सिद्धार्थ मोहंती को। आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से। ChatGPT के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए GigaChat किसने लॉन्च किया है? तो GigaChat जो लॉन्च किया गया है वो रूस के द्वारा किया गया। आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो भारत ब्रिटेन के साथ मिलकर के नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा, यानी आंसर यहां से ए करेक्ट जाएगा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो ई रुपया स्वीकार करने वाली जो प्रथम बीमा कंपनी है वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है, यानी आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो प्रथम सिंथन स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। सभी प्रश्नों को आप स्वयं से लगाएं और चीजों को ध्यान से समझते चलें। उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है का फैसला दिया है? तो अनुच्छेद 142 के तहत यह फैसला दिया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया वो एशिया बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप में जीता गया है। आंसर ए करेक्ट जाएगा। यूरोप का रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यूरोप को रिफाइंड की आपूर्ति करने वाला है सबसे बड़ा देश भारत है, यानी आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो लीपजिंग बुक पुरस्कार 2023 मारिया स्टेपानोवा को दिया गया। आंसर ए करेक्ट जाएगा यहां से। NTPC NPCIL ने संयुक्त रूप से कहां परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया है? तो इनके द्वारा चुटका और माही दोनों ही जगह विकास करने का समझौता किया गया। आंसर डी यहां से करेक्ट जाएगा। नीति आयोग ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो नीति आयोग के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की दर रहने का अनुमान जो व्यक्त किया गया है वो 6.5%, यानी आंसर सी करेक्ट जाएगा यहां से।
भारत का पहला केवल स्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला केवल स्टे रेल ब्रिज बनकर तैयार हुआ है जम्मू कश्मीर में, आंसर बी करेक्ट जाएगा। यहां से परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर जिन्हें नियुक्त किया गया है वो ए के मेहंती हैं, यानी आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो इस रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला है 161वां, आंसर डी करेक्ट जाएगा। यहां से भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल का निर्माण कहां किया जा रहा है? प्रश्न ऑप्शन दोनों को ही ध्यान से रीड करना है। तो भारत की पहली अंडरसी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है मुंबई में, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। यूरोप के लिए पहला विश्व स्कूनर चैंपियन खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता गया लुका ब्रेसल के द्वारा, आंसर ये करेक्ट जाएगा। यहां से कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मेडी ओर से किसे सम्मानित किया गया है? तो मानद पाल्मेडी ओर से सम्मानित किया गया माइकल डगलस को, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले पहले चक्रवात मोचा का नाम किसने सुझाया था? तो आने वाले चक्रवात मोजा का जो नाम सुझाया गया है वो यमन के द्वारा, यह आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। विश्व की पहली आरएसबी वैक्सीन अरेक्सी को किसने स्वीकृति दी है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इस वैक्सीन को स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत की मेजबानी में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो एससीओ की बैठक का आयोजन किया गया था गोवा में, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहां बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा महाराष्ट्र में, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MBITT लॉयन भेजा गया है? तो कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के लिए भेजा गया, ये आंसर सी करेक्ट जाएगा। यहां से नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा दोहा डायमंड लीग में जो पदक जीता गया है वो स्वर्ण पदक जीता गया है, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैंसी 2023 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो यह शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है दुबई में, आंसर यहां से डी करेक्ट जाएगा। प्रथम केरल शील्ड पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो पहला केरल सील्स पुरस्कार 2023 दिया गया है फातिमा असगर को, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है? तो प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया, आंसर यहां से सी करेक्ट जाएगा। रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहां किया है? तो रक्षा मंत्री के द्वारा प्रथम वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ किया गया है चंडीगढ़ में, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट प्रश्नों को आप लगाने से कोशिश करें स्वयं से। भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 वर्ष बाद सेवा मुक्त किया गया है? तो 36 वर्ष बाद INS मगर को सेवा मुक्त किया गया, यानी आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है? तो 42वां शिखर सम्मेलन जो आरंभ हुआ है वो इंडोनेशिया में हुआ है, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो रेटिंग एजेंसी फिच के द्वारा जो भारत को रेटिंग दी गई है वो BB- यानी ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। यहां से स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो स्टार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया इसरो के द्वारा, आंसर यहां से बी करेक्ट जाएगा।
इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य केरल है। आंसर यहां से एक करेक्ट जाएगा। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सिलेक्टेड टुडे की सीरीज, जो कि मई माह के सबसे अहम और सिलेक्टेड 100 एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज का रिवीजन पार्ट था। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आप सभी लोगों की बनी रहे। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद मित्रों।